हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। अब यहाँ पे दोबारा से खेलने जा रहा है लास्ट डे ऑफ रूल सर्वाइवल। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने कुछ दिनों से मैंने आपको पूछा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कि अपने को डी रिफाइनर कैसे मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत लोगों ने बोला कि अपने को टैंक डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि तभी जाके अपने को डी रिफाइनर मिल सकता है। तो आज हम लोग यहाँ पर टैंक डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। ऑलमोस्ट नाइट के 2 बज रहे हैं, यानी सुबह के 2 बज रहे हैं, ठीक है। आप लोग सोच सकते हो कितने टाइम बाद मैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट बहुत दिन के बाद यहाँ पे टैंक भी डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे को भी, मैं यहाँ पे एक दो बार किल हो जाऊँ, देखता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 2 फार्मर्स एक डबल उजी लेके आया हूँ, देखता हूँ इतना में किल हो पाता है कि नहीं। ऑलमोस्ट मैंने 3000 का अराउंड एमओ भी लेके आया हूँ, तो आई होप कि इतना में किल हो जाए। टैंक अगर किल हो जाता है तो आप लोग जरूर से एक लाइक कर देना यहाँ पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन और लास्ट डे रूल्स के सर्वाइवल के अगेंस्ट आपको यहाँ पे वीडियो को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, टैंक को मैंने तो किल करना स्टार्ट कर दिया। फार्मर से जो डैमेज है बहुत कम जा रहा है इस पर, तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 2 फार्मर्स लेके आया हूँ। आई होप कि इसमें किल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी टैंक के पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टैंक को किल करने में थोड़ा बहुत अपने को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे बहुत दिन के बाद, क्योंकि मैंने ऑपरेशन बेस में भी टैंक वगैरह नहीं किल कर रहा हूँ, ना ही कोई सर्वर में भी, केवल सर्वर खेलता हूँ, ड्रॉप पे भी नहीं जाता हूँ। आपको पता ही होगा कि केवल एवेंजर को किल करता हूँ, क्योंकि एवेंजर को किल करना बहुत ईजी होता है, और ईजी म्यूटेंट का कभी कभी मिल गया तो हम लोग ईजी को भी किल कर लेंगे। और यहाँ पर जब अपने को, जब लोगों ने बोला कि अपने को एडवांस एमओचेस या फिर रोम से अपने को डीप डिफाइनर नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा एक बार चल के एक बार इसको वेरीफाई करते हैं कि अपने को इससे अपने को डीप डिफाइनर मिलता है या फिर कुछ अच्छी चीज़ें लूट वगैरह मिल जाती है कि नहीं। देखते हैं अपने को क्या क्या अपना लक यहाँ पर साथ देता है कि नहीं। अगर लक साथ दिया तो डेफिनेटली अपने को यहाँ पर डीप डिफाइनर जरूर मिल जाना चाहिए। अगर नहीं भी देता है एक बार में, तो हम लोग दोबारा आएंगे इसको किल करने के लिए। देखते हैं अपने को पहले इस पहले टैंक को देखते हैं डिस्ट्रॉय करके, पहले डिस्ट्रॉय देखते कब तक होता, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे कहीं भी आपको कट वगैरह नहीं लगाने वाला। आपको शुरू से लेकर के एंड तक दिखाने वाला हूँ कैसे मैं यहाँ पे सोलो में टैंक को किल करता हूँ। आप लोग भी देख सकते हो, बहुत से लोग क्या करते हैं कंटेनर के पीछे से किल करते हैं, वहाँ से किल करना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अपने, क्योंकि वहाँ से बल्कि कवर मिल जाता है। कोई एनिमी वगैरह भी आगे पीछे से आता है तो हम लोग उसको भी विजिबिलिटी करके या फिर देख करके उसको भी हम लोग किल आराम से कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, अगर रन और करते रहोगे, इधर उधर करते रहोगे और साथ में जिग जैग करके अगर इसको किल करोगे, थोड़ा बहुत आसान होता है, इसे मरने का थोड़ा सा चांस कम हो जाता है, ठीक है। टैंक के पीछे रहोगे, अगर उसका एक रॉकेट भी सेल अगर ज़मीन पे अगर लगा जहाँ पे खड़े हो, तो सीधा वहाँ पे आप नॉक हो जाओगे। तो इसका मतलब कि वहाँ पे किल करना मेरे को थोड़ा सा अनसेफ लगता है, इसके वजह से मैं इसी तरह से किल करता हूँ। जब भी मैं टैंक को किल करता हूँ, ऐसे ही भागते हुए इसको किल करता हूँ, ताकि अपने को थोड़ा बहुत ही इससे बचने का भी चांस हो जाए, ठीक है। ऑलमोस्ट जब भी आपने देखा होगा, जितने बार भी मैंने टैंक किल किया है, ऐसे किल किया जिस तरह से उसको भागते भागते उसको किल करता हूँ, उसको भगा भगा के पूरे मैप पे उसको किल करता हूँ, ठीक है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे देख सकते हो जो कि फार्मर्स जो कि इसको डैमेज आ रहा है, ऑलमोस्ट 57 का जा रहा है, जो कि काफ़ी कम है। अगर AR होता है तो ऑलमोस्ट इतना में इसका हेल्थ आधा हो गया होता। और यहाँ पे फार्मर्स का हेल्थ भी देख सकते हो बहुत जल्दी कम हो रहा है। और मुझे इस चक्कर में तो मेरे को जहाँ तक लगा कि मेरे को 3 फार्मर्स चाहिए, बट यहाँ पे 3 फार्मर्स नहीं चाहिए। मेरा यहाँ पे लक ही ख़राब था कि मैं एक बार टैंक या दो बार, आई थिंक 2 या 3 बार मैं यहाँ पे टैंक से किल हुआ हूँ। आप लोगों को आगे दिख जाएगा मैंने यहाँ पे क्या क्या गलती वगैरह क्या किया है, आपको भी इसमें जरूर से आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे अभी बंदे भी रिपोर्ट में शो कर रहे थे कि बंदे सारे के सारे अभी ऑफलाइन है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा सेफ टाइम लगता है ये टाइम टैंक को किल करना, इसलिए मैंने ये वाला टाइम प्रेफर किया। क्योंकि अपने को सारे जब भी ऑनलाइन आता तो ऑलमोस्ट 10 या 11 बज जाता है रात को ऑनलाइन आते थे गेम में, क्योंकि मैं सुबह में ऑनलाइन या फिर 4 बजे ऑनलाइन अब नहीं रह पाता हूँ, इसी की वजह से मैं रात में खेलता हूँ, और इसलिए आपको रेड वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यही थोड़ा बहुत कारण हो जाता है अपने को। और मैंने जब अपना फार्मर जब ख़त्म हो गया, तो मैंने डिसाइड किया इसको ओजी से किल करते, बट ओजी का जो डैमेज देख करके मेरा दिमाग उड़ गया। इसका जो डैमेज है 45 का, इसका डैमेज जा रहा, आप लोग देख सकते कितना कम इसका डैमेज, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज गन है। अगर जिस जस्ट इसके पास जाऊंगा, इसका 1 बजे लगेगा मैं यहाँ पे किल हो जाऊंगा। और यहाँ पे वही सेम वही होता है अपने साथ, यहाँ पे आता हूँ इसके एक रॉकेट से लगता है मैं यहाँ पे नॉक होता हूँ। इसका हेल्थ भी आप लोग देख सकते हो कितना कम, ऑलमोस्ट मैंने इसका 25% या 30% का अराउंड मैंने इसका हेल्थ ऑलरेडी कम कर दिया है।
और यहाँ पे जो भी एमओ वगैरह क्राफ्ट हो रहा था वो सब कुछ एमओ क्राफ्ट होना बंद हो गया था। मैंने डिसाइड किया चलो दोबारा से आता हूँ इसको यहीं से किल करना स्टार्ट करूँगा। जब आ करके एक बार इसको चेक करता हूँ भाई जी, मैं तो पूरा का पूरा रिफिल अपना पूरा कर लेता है, इसे मेरा दिमाग देख के और ख़राब हो जाता है कि भाई ये क्या मतलब हुआ। यानी कि बंदा 1 सेकेंड भी लेट हो गया, ठीक है, अगर बंदा एक बार भी नॉक हुआ, अगर उसके साथ दोबारा कोई भी बंदा नहीं है दूसरा इसको थोड़ा थोड़ा डैमेज देने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली ये तुरंत उसी टाइम आपको किल करने के बाद ये तुरंत ये रिफ़िल कर ही लेगा। जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है आपको गराज में, जैसे ही पहुँचता है वहीं पे जा करके ये रिफ़िल अपना पूरा हेल्थ कर लेता है, ठीक है। तो ये देख करके जब मेरे यहाँ पे दिमाग थोड़ा हिला था, मैंने यहाँ पे भाग के गया दोबारा अपने बेस पे, जो भी मैंने यहाँ पे टेम्प्रेरी अपना बेस बना रखा है, ताकि वहाँ से अपने को चाहिए AR और साथ में कुछ एमओ भी बनाने के लिए। मैं यहाँ पे फटाफट सब कुछ तैयारी वगैरह की अपने बेस में ही, यहीं पे अपना स्पेयर वगैरह ला करके इस मिड वर्क बेंच में मैंने अपना वर्क बेंच को अपग्रेड किया, यहाँ पे दोबारा से दूसरा मिड बेंच बनाया, तो कि एयरपोर्ट के पास अपना तो बेस है नहीं, मेरा बेस है मिलिट्री साइड और यहाँ पे बंदे भी कम है, तो मैंने सोचा यही थोड़ा सा वेस्ट टाइम है इसको किल करेगा। तो इस बार मैं गया अपने बेस पे, वहाँ से 2 AR उठाया और थोड़े बहुत GP था ये, थोड़ा सा आयरन लाया और इसको किल करने में फिर दोबारा से आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं 2 QBZ लाया हूँ, जो कि एक ऑलरेडी मैंने सेफ में रख रखा है और एक फार्मर्स है जिसकी थोड़ी बहुत एमओ है, आई थिंक 700 के अराउंड एमओ है फार्मर्स की। तो देखते आई होप कि इतना में किल हो जाना चाहिए जितना अपने पास एमओ है, क्योंकि एमओ भी अपने पास कम ही, आप लोग देखना कब एमओ यहाँ पर ख़त्म होता है मेरा, जिस टाइम ख़त्म होगा जिस टाइम लिटरली वो किल हो जाता है तब जाके एमओ मेरा पूरा पूरा ख़त्म हो जाता है, वो भी फार्मर्स का मात्र 200 या 250 एमओ बचता है। आप लोग सोच सकते हो कितना लिमिटेड मेरा एमओ बच गया था जब इसे किल करता, तो 89 का इसको जब डैमेज गया तो इसको किल करना बहुत ईजी हो गया। और यहाँ से इसको किल करना मैं कंटिन्यू करता हूँ, और आपको आई थिंक यहाँ पे जितना बार भी मैंने किल किया आप लोगों को पता ही होगा मैंने कैसे किल करता हूँ। मैं एक बार यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी लेके इसको किल करने का ट्राई तो किया, बट यहाँ पे थोड़े को उतना बस इसका जो शॉट है उतना मेरा नहीं लग पाता है यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे डर भी लगता है मेरे को, चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते इसको मरने के लिए इससे, क्योंकि इसका एक रॉकेट से लपे को पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया नहीं इसको जैसे ही इसको किल कर दो अपना जो तरीका है ओल्ड वाला उसी से मैं इसको किल करूँगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा से अपना जो पुरान वाला तरीका है उसी से इसको किल करने लग दो, आप लोग देखना है बहुत जल्दी ये किल हो जाएगा। आप लोग ये कमेंट करके बताना कितने लोगों ने टैंक डिस्ट्रॉय किया है एक बार, वो भी किसी भी सर्वर में जा करके एक बार डिस्ट्रॉय करता है उसको फर्स्ट टाइम ही डीप रिफाइनर मिल जाता है, ठीक है। आप लोग ये इतना ज़रूर मेरे को कमेंट कर दें ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ मेरे को भी मिल सकता है। यहाँ पर जब मैंने इसको डिस्ट्रॉय किया था आप लोग देख लेना यहाँ पे लास्ट में क्या होता है मेरे साथ, और यहाँ पे एनिमी वगैरह तो कोई है नहीं फिलहाल, यहाँ पे एक एनिमी आ जाता है जो कि यहाँ पे जब मैं यहाँ पे QBZ AR से जब इसको किल करता हूँ वो एनिमी SMG और आयरन का चेस्ट प्लेट वगैरह पहन के आया था, ठीक है, आयरन का पूरा फुल सेट था बंदे के पास, बट उसको भी मैंने यहाँ पे किल कर ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब तक वो आता है और यहाँ पे छुपा रहता है तो बंदे को पता चल जाता है टैंक को, टैंक उसको भी टारगेट पे लेता है किल करने का, बट उसको जब एम जब लगाता है वक्त वहाँ पे जाओगे तो वहीं पे बंदा छुपा भी रहता है, ठीक है। इसी के तरह से मैंने उसको भी किल किया था लैंड में, देख सकते हो बहुत जल्दी इसका टैंक का भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑलमोस्ट, फिर से जितना मैंने किल किया था उतना ही इसको ला कर रख दिए होंगे। इसको फटाफट इसको यहाँ से किल करना स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगे।
लोग को यहाँ पे दिख गया कि बंदा कहाँ पर है एग्जैक्टली, उसका जो लोकेशन है ऑलमोस्ट ये थिंक ग्रीन रूम के साइड में है। अभी जब बंदा भी उधर से आ रहा है, इसी टाइम वो बंदा आया था यहाँ पे, और वो बंदा कहीं जाकर के पत्थरों के बीच में जाके छुप गया था। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट अब टाइम की होने वाला, एक दो मैगजीन और लगेगा और यहाँ पे टाइम का राम नाम सत्य हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे मैंने यहाँ पे बंदे को थोड़ा सा मैसेज छोड़ा कि आई डोंट सूट मी, यानी ठीक है। तो उसने मेरे को, मैंने उसको बोला कि आप तुम मेरे को फील नहीं करना मेरे भाई, तो उसने आई थिंक उसने भी कोई रिप्लाई वगैरह नहीं दिया। मैंने यहाँ पे आई डोंट हियर शॉट ऐसे ही कुछ बोलता गया फॉलो मी वगैरह, ताकि वो बंदा मेरे पास आ जाए, उसको जो भी लूट चाहिए मैं उसको दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि उसको पॉइंट वगैरह ही चाहिए तो उसको मैं पॉइंट एटलीस्ट तो दे दूंगा, डिप्टी फाइनर मैं रख लूँगा, बाकी सारा लूट उसको दे दूंगा जो भी लूट होगा, ठीक है। वो सोच करके भाई बंदे को बुला रहा था यहाँ पे, बट बंदा ने कहीं आया ही नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट इसके बाद मैंने जब अपना एयर के जब एमओ ख़त्म हो गया, तो मैंने डिसाइड किया अपने फार्मासिस्ट को किल करने का, और यहाँ पे फाइनली अपना टैंक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि अपने को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा। क्योंकि जब मैंने एक बार इसको किल किया तो ऑलमोस्ट ये दोबारा से रिफिल हो गया, इसको दोबारा इसको किल करना पड़ा। और यहाँ पे एमओ भी देख सकते हो एक पूरे की पूरे एयर ख़त्म हो चुकी है, दूसरी भी ऑलमोस्ट 25% इसकी भी हेल्थ ख़त्म हो चुकी है। और मैंने डिसाइड किया इसके बाद बंदे को थोड़ा सा फाइंड करते, देखते बंदा कहाँ पर है, तो अपने को बंदा मिल भी जाता है कहाँ पर। और यहाँ पर अपने को आर्मर वगैरह भी सब कुछ मैंने पहन रखा, बंदा एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे दिख गया था कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे बंदे को बुला रहा था बट बंदा आ नहीं रहा था, तो उसलिए मैंने सोचा चलो उसको सीधा चल के उसको किल कर दे, क्योंकि वो एसएमजी लेकर खड़ा हुआ था, कहीं भी उसको मैं अगर दिख गया तो वो सीधा मेरे को वो किल कर देगा ऑलमोस्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे 6 मिनट एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ताकि इसका जो फ्लेम है वो जल्दी से बुझ जाए, उसके बाद अपने को लूट में यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे पार्ट को कट करना, ताकि जो ये इसका फ्लेम है जितना भी ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट लगता है इसका फ्लेम इसका बुझने में, यहाँ तक मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते वो जो एनिमी देख सकते कहाँ पर बैठा हुआ, पूरा एम लगा के बैठा हुआ बंदे। और यहाँ पर जब मैं इसको बजाता हूँ भाई साहब, ये पूरा उछड़ता सीधा ये नॉक एंड इसको फिनिश करता हूँ ये यहाँ पे, और बंदे का यहाँ पे आयरन का चड्डी यहाँ पे गिर ही जाता है, और पूरा का पूरा फुल मास्क लगा के आया था, और एसएमजी भी बंदे का गिर जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा मास्क था उसको लेने की कोई ज़रूरत था नहीं अपने को। और यहाँ पर देखते हैं ऑलमोस्ट अभी इसका फ्लेम जो वो बंद होने ही वाला है। फाइनली यहाँ पे टैंक पूरी तरह से ठंडा हो चुका था, जिसके बाद मैं इसका लूट वगैरह सब कुछ चेकआउट कर सकता। और यहाँ पे अपना मास्क भी इसका ड्यूरेबिलिटी वो ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे देख सकते हो लूट अपने को क्या क्या चीज़ें मिल चुका है। आप लोग यहाँ पे लूट वगैरह आप लोग देख सकते हो, अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टरेट मिला, जो फाउंडेशन पे जो अटैक करना लगता है वो अपने को मिला, दो चीज़ मिला, ये काफ़ी ठीक है। बट अपने को एक चीज़ का डिसअपॉइंट लगा कि अपने को यहाँ पे ट्रिप फाइनर नहीं मिला। और ये आप लोग बता दो कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टरेट है अभी मेरे को कितने दिन बाद मिला, ठीक है। जब भी मैंने पहले जब मैंने अपना चैनल जब स्टार्ट किया था उस टाइम मेरे को वो अभी पर्पल रूम से मिला था, क्योंकि उस टाइम मैं यहाँ पे पर्पल रूम बायो के साइड पर ना बेस बनाया, तो उधर की साइड अपने को मिला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टैरेट। वो मेरा फर्स्ट टाइम था जिस टाइम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टैरेट सर्वर में आया था यहाँ पे, ठीक है, गेम में। तो वहाँ पे जब मेरे को मिला था ये ऑलमोस्ट 1.5 साल यानी 2 साल के बाद अपने को मिल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टैरेट दोबारा टैंक से। ये काफ़ी देख के मैं खुश था, बट यहाँ पे एक चीज़ का मैं यहाँ पे थोड़ा से डिसअपॉइंट हुआ कि अपने को यहाँ पे डीप रिफाइनर नहीं मिला था। एक बार अपने को और एक दो बार इसको टैंक को आई थिंक मेरे को किल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जब भी किल करूँगा तो उसका भी ज़रूर से मैं आपको बताऊँगा अपने को कब अपने को डीप रिफाइनर मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड, क्योंकि यहाँ पे रात भी बहुत ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 3 बजने वाला। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अभी सोने के लिए, तब तक के लिए चलता हूँ यहाँ पे, यहीं पे चला जाता हूँ ऑफलाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।